हिमाचल में चंबा पुलिस ने आज सुल्तानपुरा में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने एक घर में सास बहू के साथ तीन लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में गिरफ्तार किया है। ये दोनों सास बहू बाहर से लड़कियां बुलाकर उनसे अपने ही घर में जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी। पुलिस को पहले से ही इस रैकेट के बारे में सूचना थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल पा रहा था। पुलिस की टीम ने बड़े ही फिल्मी तरीके से जाल बिछाया और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें भी बरामद की। चंबा पुलिस ने अपने ही एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर सास और बहू के पास भेजा, जिन्होंने उनसे 3,000 रुपये की मांग रखी। बाद में उन्होंने अपने ही घर में एक कमरे में पुलिस के उस व्यक्ति को लड़कियों के पास भेजा। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर सास व बहू और उन तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निशान लगाए हुए वो नोट भी बरामद किए जो पुलिस ने योजना के मुताबिक ग्राहक बनाए हुए व्यक्ति को दिए थे। पुलिस ने सास और बहू के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4 व 6 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस स्टेशन सदर चंबा में हमें सीक्रेट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सुल्तानपुर में राणा मोहल्ला है, उसने रेखा देवी और उसकी बहू चंपा देवी और उसकी बहू रेखा देवी इलीगल सेक्स रैकेट और ये कुछ लोगों से जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे हमने FIR रजिस्टर करके वहाँ पे ऑपरेशन किया है, तो इसमें सर्च में हमें वहाँ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है। इसमें वो लड़कियाँ, 2-3 लड़कियाँ हैं उसमें, और काफ़ी मात्रा में कॉन्डोम्स और शराब भी वहाँ से मिली है। तो हमने जो केस रजिस्टर किया है उसमें सेक्शन 3, 4 और 6 प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट और प्लस साथ में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक्साइज एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसमें हमने डिकॉय कस्टमर हमना अपना कांस्टेबल को बनाया था, जिसके साथ वो डीलिंग हुई थी, जो मिडलमैन है, और उसने 2,000 रुपीज़ डिमांड किए थे। और उसके बेसिस पे बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसके जो एक्यूज्ड हैं उनसे हमने वो 2,000 रुपीज़ रिकवर किए हैं, वही वाले सेम करेंसी नोट्स जो हमारे कस्टमर डिकॉय कस्टमर ने उनको दिए थे। ऑपरेशन को अंजाम देने में हमने वहाँ के जो लोकल प्रधान हैं एडजॉइनिंग पंचायत के और महिला मंडल की जो मैं अध्यक्षा हैं उनको भी हमने साथ में एसोसिएट किया था, और वो एज इंडिपेंडेंट विटनेस हमारे साथ गए थे, और सारा ऑपरेशन जो है उनकी प्रेजेंस में लाया गया है। हम यही कोशिश करेंगे कि इसमें और कोई किसी दूसरे स्टेट के साथ या किसी दूसरी जगह के साथ इसके लिंक तो नहीं जुड़े हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वी विल इंक्वायर इनटू इट, इन्वेस्टिगेट इनटू इट, और ये कोशिश करेंगे कि कितने और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एन स्टार न्यूज़ के लिए चंबा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।